पारा शिक्षकों को सरकार ने सहायक अध्यापक का दर्जा दे दिया, इससे राज्य के अनुबंध कर्मियों में एक उम्मीद जग गई है। राज्य के अनुबंध कर्मी अब अपनी मांगों को लेकर एकजुट दिख रहे हैं। 6 लाख से अधिक अनुबंध कर्मियों को लग रहा है कि हेमंत सरकार में उनके भी अच्छे दिन आएंगे और उनकी भी मांगे सुनी जाएंगी। 65,000 से ज्यादा पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक हो गए हैं। सरकार ने पारा शिक्षकों को 60 साल के लिए स्थायी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य में काम कर रहे 6,75,882 अनुबंध कर्मियों के भी मन में एक नई उम्मीद जगी है। उन्हें भी लगता है कि वर्तमान हेमंत सरकार में उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे। सत्ता पक्ष के नेता भी इस उम्मीद को और मजबूती देते हुए कहते हैं कि सरकार अपना हर वादा पूरा करेगी। 2 साल से 3-3 महीने का जो अनुबंध अवधि विस्तार दिया जा रहा था, उसका आज लास्ट डेट था 31 तारीख तक, और बाकी आगे जो है सो सब जिलों में राज्य स्तर से चिट्ठी दे दिया गया है नए स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने के लिए। तो आज के बाद अब हम लोग को बेरोजगार हो गए हैं, आगे क्या होगा वो आगे केंद्र सरकार राज्य सरकार निर्णय लेगी। और जो हमने वादे किए हैं इस कोरोना वैश्विक महामारी के बावजूद, हमने इस राज्य की जनता के साथ किए हुए वादों को धीरे धीरे पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। अनुबंध कर्मियों की बात है तो हम भी चिंतित हैं, अनुबंध कर्मियों के प्रति हम भी संजीदा हैं, और हमें लगता है कि बहुत जल्द पारा शिक्षकों की तरह अनुबंध कर्मियों के भी चेहरे पे मुस्कान महागठबंधन की सरकार लाएगी। सत्ता पक्ष से इतर विपक्ष हेमंत सोरेन सरकार को मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाली सरकार बता रही है। विपक्ष का कहना है कि जब तक पारा शिक्षकों के वेतनमान का मसला सुलझ नहीं जाता, तब तक सरकार का वादा पूरा नहीं होता है। अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की दिशा में सरकार एक कदम नहीं चल पाई है। विपक्ष को सरकार की मंशा पर ही शक है। पारा शिक्षकों का मामला सरकार जो है जो बता रही है, तो उनका जब समस्या हल हो जाए, समस्या उनका करे सरकार, ये तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये कह के आए हैं तो उसको करें। और नेचुरल है कि जितने अनुबंध कर्मी हैं जो सरकार में काम कर रहे हैं, जो लोग सरकार को सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि वो इतने दिन काम किए हैं, कितने की उम्र ख़त्म हो गई है, कितने का उम्र अब नहीं रहा काम करने, मतलब दूसरे नौकरी में जाने का, और वो जो सरकार को सेवा दे रहे हैं और सरकार को ज़रूरत भी है, तो अन्य अनुबंध कर्मी पर भी सरकार को सोचना चाहिए और सारे लोगों को कहीं ना कहीं समाहित करना चाहिए। और ये सरकार तो वादा भी किया था कि हम 5 लाख रोजगार हर साल देंगे, तो सबको समाहित करना चाहिए सारे लोगों के लिए। अनुबंध कर्मियों को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के दिए आदेशों का भी अध्ययन करने से यही लगता है कि सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा कि एक कैबिनेट कर फैसला सुना दे। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहीं राह, सरकार अपना वादा पूरा करे, इस उम्मीद के साथ राज्य के अनुबंध कर्मी भी राह तक रहे हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद करते हैं कि नया साल राज्य के अनुबंध कर्मियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आए। जानिए किन विभागों में कितने अनुबंध कर्मी काम कर रहे हैं। पारा शिक्षकों की संख्या 65,000 है, मनरेगा कर्मियों की संख्या 5,000, समाज कल्याण के 90,000, बीआरपी सीआरपी के 45,000, एनआरएचएम के 70,000 कर्मी काम कर रहे हैं, डीआरडीए के 2700 कर्मी, शिक्षा परियोजना के 2900 कर्मी काम कर रहे हैं, एनएसीओ के 3500, एएनएम जीएनएम के 2000, होमगार्ड्स के 18,000, जेएसएलपीएस के 55,000, तेजस्विनी के 45,000, तो वहीं उद्योग समन्वयक के 80,000 कर्मी काम कर रहे हैं। रांची से कैमरा पर्सन अभय प्रसाद के साथ न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।